Good morning, students. Today we are going to learn an interesting topic. Okay, एक interesting सा topic, that is cats. Cats money बिल्लियाँ, जो आप लोगों को पता ही है. So that's nice. So now, cats वो बहुत अलग अलग तरीके की होती है. कोई मोटी, कोई छोटी, कोई पतली सी, and may vary in colors even. वो colors भी अलग अलग रहते हैं, white, black, even stripes on it, वो अलग अलग तरीके की. But in short, cats बहुत cute रहती है. So let us study further. Cats sleep anywhere, any table, any chair. मतलब cats कहीं पे भी सो जाती है. Anywhere मतलब कहीं पे भी. Any table मतलब कोई भी टेबल पे. एनी चेयर मतलब कोई भी चेयर पे. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो कितनी आराम से सोई है ऑन द टेबल. सो शी स्लिप्स एनी वेयर. कैट स्लिप्स एनी वेयर, एनी टेबल, एनी चेयर. टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेज, इन द मिडल, ऑन द एज. टॉप ऑफ पियानो मतलब पियानो के ऊपर भी जाके सो जाती है. शी डजंट केयर एट ऑल. वो पियानो के ऊपर भी जाके सो जाएगी. नाउ व्हाट इज मीन बाय पियानो? एज यू ऑल नो, पियानो इज वन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू कैन प्ले अ म्यूजिक. उसके थ्रू आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो. इफ यू हैवंट सीन, देन यू कैन सी ओवर हियर इन द पिक्चर. आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज अ पियानो एंड ऑन द पियानो कैट्स आर स्लीपिंग. विंडो लेज. Now, what do you mean by window ledge? In the picture, you can see window के पास थोड़ी सी जगह बचती है, थोड़ी सी. वहाँ पे भी जाके वो सो जाती है. That is called the window ledge. जो window के पास थोड़ी सी जगह बची हुई रहती है, उसको बोलते हैं हम window ledge. In the middle, यानी center में भी. In the middle मतलब in the center. On the edge, edge that is the corner. मतलब एकदम किनारे पे आके भी सो जाती है. She sleeps anywhere. Open drawer, empty shoe, anybody's left will do. Open drawer. Now, what do you mean by drawer? Drawer, आप लोगों को पता ही होगा. In the cupboard, at your home, you all have the drawers in which you store some stuff. उसमें आप थोड़ी सी अपनी चीज़ें रखते हो वो drawer में. तो वो drawer में भी घुस के सो जाती है. Empty shoe, मतलब खाली shoes में भी she can sleep. Anybody's left will do. Now, what do you mean by lap? Lap का मतलब क्या होता है? गोदी में. She also sleeps in the lap of someone. मतलब वो lap में, गोदी में भी आके सो जाती है, एकदम cute से, आराम से. Fitted in a cardboard box in the cupboard with your frocks. Fitted in a cardboard box. मतलब वो cardboard box में भी fit हो जाती है. Cardboard box मतलब वो एक box रहता है जिसमें आप थोड़ी सी अपनी चीज़ें, stuff, you can store in it. As you can see in the picture, this is a cardboard box. वो उसमें भी सो जाती है. In the cupboard, मतलब आपके wardrobe में, वो cupboard में भी जाके सो जाती है. With your frocks, मतलब girls wear frocks, उसके साथ भी वो जाके, she fits in the cupboard. Anywhere, they don't care. वो कहीं पे भी, they don't care, उसको कोई भी परवाह नहीं है. They don't care at all. Cats sleep anywhere. कैट स्लीप कोई भी जगह. सो नाउ दिस वॉज ऑल फॉर द डे. ये आज की पोएम थी. सो आई होप यू हैव फाउंड दिस इंटरेस्टिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर टुडेज एक्सरसाइज ऑफ द सेम पोएम. पेज नंबर 53. रीड द पोएम वंस अगेन. आपको पोएम एक और बारी पढ़नी है. अंडरलाइन द लाइन्स दैट राइम विथ ईच अदर. आपको वो लाइन्स अंडरलाइन करनी है दैट राइम विथ ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ राइम करती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय राइमिंग वर्ड्स? मैंने पहले भी बताया था, द साउंड्स विच साउंड सिमिलर. द लाइन्स और द वर्ड्स विच साउंड्स सिमिलर. ऐसे वर्ड्स चाहे ऐसी लाइन्स जो एक दूसरे जैसी लगती है सुनने में. सो नाउ ओवर हियर I have marked, I have already marked, underlined few words from the poem and you have to do the same. आपको poem again read करनी है और उसमें से जाके underline करने हैं same rhyming words or sentences. So I have took anywhere, any chair. आप सुन सकते हो, that sounds quite similar. वो similar sound करती है. Anywhere, any chair. Again ledge,
edge. Shoe, do. So these all are rhyming words. Moving on, second question. Write this as one word. आपको ये दो words मिला के एक word लिखना है. So any plus buddy. Any plus buddy that becomes anybody. Again, second is any plus where that becomes anywhere. So this two you again have to complete. Moving on towards the pending exercise, जो हमारी बाकी exercise थी last video में, जो की थी 5th chapter bees की. Okay, chapter number 5 bees, page number 60, grammar in use. Now first question is begin each sentence with V. आपको हर एक sentence V से start करना है. क्या करना है? हर एक sentence V से start करना है. So the first sentence over here is I love flowers. I love flowers. So the answer is S. आपको क्या कहा गया था? Start करना है V से. So I replace हो जाएगा V से. I को निकाल के you have to replace V. So we love flowers. So यहाँ पे तो बोल दिया है you have to replace V. But you also have to understand the meaning. Why are we replacing V? Okay? So, जैसे कि मैंने कहा था earlier, singular and plural, मतलब I और V में आप differentiate कर सकते हो. I मतलब I is used for single person and V is used for more than one person. Okay? So, I is used for single person, V is used for more than one person. For example, मैं बोलू, I am a student. मैं क्या बोलूंगी? I am a student. But मैं तो अकेली ही हूँ. So, मैंने use किया I. Why? Because I am alone. I am single. So I have used I. But if मैं बोलू, आप सारे बच्चे, मतलब you all are students. तो same line अगर आपको बोलनी है तो आप क्या बोलोगे? We all are students. क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी बच्चे हैं. So you are going to use we. Instead, you are going to use we. अगर आप अकेले ही बोलते हो I am students, so you are going to use I. Because आप अकेले हो. बट अगर आपके अलावा और भी स्टूडेंट्स को आपको बताना है तो यू आर गोइंग टू यूज वी. वी आर स्टूडेंट्स. सिमिलरली आपको यहां पे वी रिप्लेस करना है आई की जगह पे. सो द फर्स्ट इज आई लव फ्लावर्स एंड द आंसर इज वी लव फ्लावर्स. सेकेंड आई हैव अ स्टिंग. द आंसर विल बी वी हैव स्टिंग्स. थर्ड आई एम अ हनी बी. So M will be again replaced by R. यहाँ पे M भी R से replace हो जाएगा. M use होगा single person के लिए. R कब आएगा? जब बहुत सारे persons होंगे, जब अकेले नहीं होंगे. If for multiple persons, multiple people, we are going to use R and single के लिए M. जैसे कि example में मैंने कहा था I am a student. I am a student. But जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे तो मैंने क्या बोल दिया था? We are students. M की जगह पे मैंने plural में क्या कर दिया था? Are. Likewise यहाँ पे भी we are honeybees. Now fourth, I make honey for you. We make honey for you. Moving on to the second question. Begin each sentence with they. Begin each sentence with they. Similarly मीनिंग सेम ही रहेगा. सिंगल के लिए ही. यहाँ पे क्वेश्चन में सारी ही है इसीलिए मैं बता रही हूँ. सिंगल पर्सन के लिए ही. बट अगर मोर देन वन पर्सन तो हम क्या बोलेंगे? उसके लिए एड्रेस करेंगे दे. सो दे बिकम्स प्लूरल. लाइकवाइज यू कैन सी इन दिस टेबल. सिंगुलर में आप पढ़ सकते हो आई यू ही शी इट इज दिस दैट. दिस ऑल आर सिंगुलर. बट उसका प्लूरल करना है. अगर एक से ज्यादा है तो मैंने क्या बताया था? प्लूरल हो जाएगा. तो प्लूरल में इफ यू कैन सी द थर्ड कॉलम ही, तो ही का प्लूरल क्या है? दे. सो व्हेनेवर ही शी इट कम्स, ही हो चाहे शी हो चाहे इट आता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो उसका प्लूरल फॉर्म हम स्टार्ट करेंगे दे से. किससे? दे से. तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा. सो लाइकवाइज यहाँ पे थर्ड रो में ही के सामने उसका प्लूरल क्या है? दे. सो लाइकवाइज यू हैव टू यूज
they instead of he. Okay, so the first sentence is he is very fat. ये बहुत ही मोटा है. तो उसका प्लूरल क्या हो गया? They are very fat. मतलब ये सारे के सारे फैट है. They are मतलब ये सभी फैट है. एक पर्सन नहीं, बहुत सारे. सो दे आर फैट. यू हैव रिप्लेस्ड ही विथ दे. आपने ही को दे से रिप्लेस किया. सेकेंड, ही इज ऑलवेज आइडल. आंसर इज दे आर ऑलवेज आइडल. आइडल का मतलब मैंने क्या बताया था? जो फ्री बैठा रहता है, जो उसको काम ही नहीं है. ही इज नॉट बिजी एट ऑल, दैट इज आइडल. कुछ मतलब कुछ नहीं करना. थर्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड. आंसर इज दे वर्क वेरी हार्ड. फोर्थ, ही डज नथिंग ऑल डे. ही डज नथिंग ऑल डे एंड द आंसर इज दे डू नथिंग ऑल डे. लाइकवाइज यहाँ पे आप फोर्थ में मार्क कर सकते हो. डज का आंसर में डू हो गया. डज का डू हो गया. क्यों? क्योंकि डज गोज फॉर सिंगुलर पर्सन. डज विल ऑलवेज गो फॉर सिंगुलर पर्सन एंड लाइकवाइज डू विल गो फॉर प्लूरल. मूविंग ऑन, रीराइट ईच सेंटेंस एज शोन. आपको हर एक सेंटेंस वैसे के वैसे ही थोड़ा चेंज करके लिखना है. ना यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? रिवर्स, रिवर्स. ओके, सो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे हर एक सेंटेंस किस में दिया है? हर एक सेंटेंस दिया है प्लूरल में, बट वो चला जाएगा सिंगुलर में. सो दे के जगह पे आपने क्या कर दिया? इट लगा दिया. दे के जगह आंसर में इट. सो प्लूरल से सिंगुलर आ गए हम. सो अगेन वी आर गोइंग इन द टेबल. यहाँ पे आप अगर 1, 2, 3, 4 फिफ्थ रो में आप देख सकते हो इट. तो इट कौन से कॉलम में है? सिंगुलर में. इन विच कॉलम? इट्स इन सिंगुलर. ईजी सेना. उसका प्लूरल क्या है उसके सामने? दे. बट हमें क्वेश्चंस ही दे से दिए गए हैं. सो हमें रिवर्स उल्टा करना है. हमने सिंगुलर में कन्वर्ट करना है. सो वी हैव टू स्टार्ट ऑल सेंटेंस विथ किस किस से? दे के सामने सिंगुलर क्या है? इट. सो वी हैव टू स्टार्ट ऑल द सेंटेंसेस विथ इट. तो फर्स्ट ऑलरेडी दिया गया है. दे कॉल इट अ सेल. सो इट इज कॉल अ सेल. ओके, सो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल रूल अप्लाई नहीं होगा. मैंने जस्ट फॉर द बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया. बट यहाँ पे यू जस्ट हैव टू रीराइट ईच सेंटेंस. मतलब आपको इट से स्टार्ट करके ये सेंटेंस वैसे के वैसे ही लिख लेना है. सेकेंड इज दे कॉल इट हनी. सो आंसर इज इट इज कॉल्ड हनी. थर्ड, दे कॉल इट अ ड्रोन. इट इज कॉल्ड अ ड्रोन. फोर्थ, दे कॉल इट अ बीहाइव. Answer is, it is called a beehive. Fifth, they call it a busy bee. Answer is, it is called a busy bee. Now, last one, choose the correct word for each blank. आपको each blank में correct word choose करना है. In the textbook, as you can see, आपको दो options दिए गए हैं. मैंने यहाँ पे directly answers write किया है. So, the first is, I do not dash anyone. So दो options थे, hurt और hurts. Hurt और hurts. So एक s के बिना है, एक s के साथ है. तो यहाँ पे भी आप singular plural वाला rule apply करोगे. Why? So now आपको कैसे पता चलेगा? So एक first main logic तो है. First sentence में ये sentence होता है I से start. किस से? I से start. Sorry, यहाँ पे मैंने I miss कर दिया है, but ये sentence होता है I से start. So मैंने क्या बताया था? I किसके लिए use होता है? Single person के लिए. So this sentence is in singular form. So you have to write I do not hurt anyone. क्योंकि hurt हो गया एक ही person के लिए. So that is singular. Hurt is singular. So I do not hurt anyone. I मतलब मैं, एक ही person. मैं किसी को hurt नहीं करता. सेकेंड, अवर किंग डैश विथ अस. मतलब अभी यहाँ पे क्या आ गया? अवर. अवर मतलब हम सभी के लिए. सो एक से ज्यादा. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिव्स. क्या आ जाएगा? लिव्स. अगेन थर्ड, यू कैन डैश माई बस. यू मतलब आप अगर सामने वाले को बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? यू. एक बंदे को ही, एक पर्सन को ही, दैट इज यू. So again here will come singular, that is here. यहाँ पे दो options थे here
or hears, but we are going to use hear because you again is a singular form. Okay. Fourth, I fly dash flower to flower. I fly dash flower to flower. So I fly from flower to flower. मैं एक flower से दूसरे fly मैं दूसरे flower पे fly करता हूँ. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे. सो हियर इट विल कम फ्रॉम. दो ऑप्शन थे, फ्रॉम और फोर. फ्रॉम मतलब फ्लावर से फ्लावर, एंड फोर मतलब फ्लावर के लिए. तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट सूटेबल इज फ्रॉम, मतलब फ्लावर से फ्लावर में ट्रैवल करता हूँ. आई फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. फिफ्थ, आवर फैमिली डैश वेरी लार्ज. Our family dash very large. तो आप क्या address करोगे, our family is very large. Sixth, we dash all the work together. Do or does, मतलब ये sentence present tense में है, तो we do all the work together, हम सारा का सारा काम साथ में करते हैं. So this is all for the day. You have to complete all this exercise in the textbook itself. आपको textbook में ही ये सारी exercises complete कर लेनी है. Okay? So have a nice day and thank you.